गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आरबीआई बैलेंस शीट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने 17% इंक्रीज़ दिखाया है अपनी इनकम में, लगभग 2,75,000 करोड़ की इनकम उन्होंने जो है रिपोर्ट की है फाइनेंशियल ईयर 2024 की। अब आरबीआई मनी कैसे बनाता है? पहले तो वो जो है कमर्शियल बैंक्स को लैंडिंग करता है, उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है। आरबीआई इवन टेम्पररी लोन्स देता है गवर्नमेंट्स को भी, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उसके उससे भी जो है वो पैसा बनाता है, ऑफकोर्स इंटरेस्ट चार्ज करके। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करता है, चाहे बॉन्ड्स हो, ट्रेजरी बिल्स हो। फिर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को होल्ड और मैनेज करने का काम भी करता है आरबीआई। तो उसमें जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स या बाकी हाई क्वालिटी फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो उसमें उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी इनकम इनकी जनरेट हो जाती है। अब जब आरबीआई जो है सिग्नोरेज क्या होता है कि जो डिफरेंस होती है वैल्यू ऑफ मनी में और उसको जो कॉस्ट होती है उसको प्रोड्यूस करने में, उससे भी पैसा बनाता है। क्योंकि इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट है करेंसी इशू करने का आरबीआई के पास। तो मतलब अगर 1 रुपया लगता है 200 रुपये के नोट को बनाने में, तो 199 का जो सिग्नोरेज प्रॉफिट है वो भी आरबीआई का होता है। आरबीआई जो है गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करना, पेमेंट्स को डिसबर्स करना, ये सब काम भी करता है। तो आरबीआई जो है चार्जेस लेता है उससे गवर्नमेंट के इस चीज़ों के, और भी कई तरह के कमीशन जो हैं और फीस जो है चार्ज करता है गवर्नमेंट से। वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या इवन जनरल पब्लिक को भी। आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी करता है, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उसको बाय और सेल करना। तो मतलब जो परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होता है वो भी आरबीआई का प्रॉफिट होता है। आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी भी देता है कमर्शियल बैंक्स को, उनकी बिल्स को रीडिस्काउंटिंग करना, इंटरेस्ट चार्ज करना ट्रांजैक्शंस पर, पेनल्टीज़ और फाइंस लगाना बैंक्स के ऊपर, ये काम भी करता है आरबीआई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो है आरबीआई को पैसा जनरेट हो जाता है। अगर हम हाईलाइट देखें इस पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की आरबीआई की, तो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो 11% इंक्रीज़ हुई है लिक्विडिटी और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की वजह से। जो है ये इंक्रीज़ देखने को मिला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स राइज हुई हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट की हैं आरबीआई ने, लोन्स एंड एडवांसेस भी ज़्यादा किए हैं इस बार आरबीआई ने। लायबिलिटी साइड में नोट्स जो इशू किए हैं उसमें भी इंक्रीज़ है, डिपॉजिट्स में भी इंक्रीज़ है, बाकी लाइबिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ है। बैंक की जो बैलेंस शीट है वो 24.1% ऑफ GDP जो है वो ग्रो हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सेंट्रल बैंक की नेट इनकम जो है वो 141% इंक्रीज़ हुई है इस बार एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज ऑफ शार्प रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर्स। आरबीआई ने अपने खर्चों पे बहुत जो है वो एक्सपेंडिचर कम किया, मतलब कम कर लिया है। लगभग 56.29% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला एक्सपेंडिचर में। जो सरप्लस है इस बार लगभग 2.1 ट्रिलियन का सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अग्निकुल कॉस्मोस नाम के एक स्टार्टअप जो कि IIT मद्रास ने इंक्यूबेट किया, उन्होंने वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है वो लॉन्च कर दिया है स्पेस में। और ऑफ कोर्स ये जो है आपको इसरो की असिस्टेंस के साथ ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो पहले तो समझते हैं 3D प्रिंटिंग क्या होता है, इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं डिजिटल मॉडल से, लेयर बाय लेयर जो है मटेरियल ऐड किया जाता है। तो इससे जो है कस्टमाइज़ की जा सकती है प्रोडक्शन को और एफिशिएंटली प्रोडक्शन की जा सकती है। 3D प्रिंटिंग जो है वो कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जा रही है, चाहे हेल्थ केयर हो, ऑटोमोबाइल हो, एरोस्पेस हो। अब अग्निबान सॉर्टेड ये सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है क्या? तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि आउटर स्पेस में तो जाती है वो फ्लाइट, लेकिन जो है अर्थ का ऑर्बिट कम्प्लीट नहीं करती है। ठीक है, अग्निकुल जो है वो सेकेंड प्राइवेट कंपनी बनी है जिन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया है, इंडिया के फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड जो है रॉकेट जो स्काई रूट ने डेवलप किया था उसके बाद। ठीक है, अग्निबान एक कस्टमाइजेबल 2-स्टेज लॉन्च व्हीकल है, एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड और गैशियस प्रोपेलेंट्स। तो ये सेमी क्रायोजेनिक है इसलिए जो है ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन से कम टेम्परेचर रहता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रहता है क्रायोजेनिक इंजन से। तो इसमें रिफाइंड कैरोसिन का यूज़ किया गया है किया जाता है रादर।
इंस्टेड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। तो अग्निबाण जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन भी बना है। अग्निबाण जो है वो ओनली रॉकेट इंजन है जो बोथ गैस और लिक्विड फ्यूल दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। 3D प्रिंटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसकी वजह से जो लॉन्च कॉस्ट है वो भी कम हुई है और जो व्हीकल असेंबली टाइम है वो भी कम हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो IFPRI ने रिलीज़ कर दी है। IFPRI क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक एटलीस्ट 38% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अनहेल्दी फूड जो है कंज्यूम करती है। 28% जो है वो सभी रिकमेंडेड फूड ग्रुप्स में कम से कम जो है वो एक स्टार्ची स्टेपल फूड कंज्यूम करते हैं, एक वेजिटेबल, एक फ्रूट, एक पल्स, नट और सीड और एक एनिमल सोर्स फूड को कंज्यूम करते हैं। कंजम्पशन इतनी जो कैलोरी डेंस और न्यूट्रिएंट पुअर फूड जो है वो सिर्फ हाई नहीं थी बल्कि वो बढ़ भी रही है टाइम के साथ साथ। इंडिया में जो पॉपुलेशन जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है वो 15.4% जो थी 2011 में वो बढ़कर 16.6% हो चुकी है 2021 में। ओवरवेट जो है एडल्ट्स में इंक्रीज़ हुआ है पिछले कई सालों में। शेयर ऑफ पैकेज फूड्स भी जो है वो नियरली डबल हो चुका है इसी पीरियड के बीच में, ठीक है। तो IFPRI क्या है? 1975 में बनाया गया एक रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशंस देने के लिए जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इनोवेशन नेटवर्क है। मोटिव इसका है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करें और हंगर को और माल न्यूट्रिशन को एंड किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग SROFT। अब ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो SROFT का मतलब क्या हुआ? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फिनटेक सेक्टर। तो RBI ने जो है इसके लिए फ्रेमवर्क जो है वो इशू कर दिया है। तो ये फ्रेमवर्क डिफाइन करता है फिनटेक वो एंटिटीज़ जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देती हैं डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, चाहे बिजनेसेस को हो चाहे कंज्यूमर्स को हो। तो ये जो SRO बनाया जा रहा है फाइनेंशियल फिनटेक के लिए, ये इंडस्ट्री लेड होगा। इसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह सेटअप किया जाएगा। मिनिमम नेटवर्थ इसकी 2 करोड़ तक होगी। 1/3 जो इसमें मेंबर्स होंगे बोर्ड के वो इंडिपेंडेंट होंगे बिना किसी एक्टिव एसोसिएशन के, फिर किसी भी फिनटेक एंटिटी के। SRO जो है वो ब्रांचेज नहीं ओपन कर सकता या ऑफिस नहीं ओपन कर सकता आउटसाइड इंडिया, लेकिन फिनटेक जो आउटसाइड इंडिया हैं डोमिसाइल वो इसके मेंबर ज़रूर बन सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो RBI भी जो है नॉमिनेट या डेप्यूट कर सकता है ऑब्जर्वर्स को SROFT के बोर्ड पर। SROFT की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी? कि ये ऑब्जेक्टिवली अंडर द ओवरसाइट जो ऑफ RBI जो है ये ऑपरेट करेगा। एक फ्रेम फिनटेक SRO जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट भी फ्रेम करेगा अपने मेंबर्स के लिए। SROFT जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है अपने मेंबर्स के अगेंस्ट अगर नॉन अधेरेंस टू कोड्स या स्टैंडर्ड्स या फिर रूल्स किया जा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स की एक कंटिंजेंट जो है वो इल्सन एयरफोर्स बेस इन अलास्का जो है वो अराइव कर चुकी है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये 2 वीक एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, डिज़ाइन की गई है रेप्लिकेट करने के लिए रियलिस्टिक और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को। अप्रॉक्सीमेटली 3100 सर्विस मेंबर्स जो है वो इसमें फ्लाई करेंगे। 1975 से ये एक्सरसाइज की जा रही है, ऑर्गेनाइज की जाती है ये यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स वॉरफेयर सेंटर द्वारा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्रायोनिक्स। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्रायोनिक्स कंपनी ने अपने फर्स्ट क्लाइंट को ऑस्ट्रेलिया में फ्रीज कर दिया है इस होप में कि उसको बाद में जो है वो फ्यूचर में दोबारा से ज़िंदा किया जा सकता है। तो क्रायोनिक्स क्या होता है? ये एक एक्सी प्रैक्टिस है एक इंडिविजुअल जो मर चुका है उसको फ्रीज करके रखने की, ताकि फ्यूचर में जब कभी कोई ऐसी मेडिसिन या फिर जो है टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो तो हम उस पर्सन को रिवाइव कर सकें फ्यूचर में, ठीक है। तो इस तरह की जो है पर्सन को जिसको रखा जाता है इस स्टेट में उसको हम क्रायो प्रिजर्व्ड पेशेंट कहते हैं। क्रायोनिक प्रिजर्वेशन सिर्फ तभी की जा सकती है जब इंडिविजुअल जो है लीगली डिक्लेयर्ड किया जा चुका हो कि वो डेड हो चुका है। तो इसमें होता क्या कि बॉडी को आइस में पैक कर दिया जाता है, ब्लड को ड्रेन करके बॉडी में से एंटी फ्रीज और ऑर्गेनिक
ऑर्गन प्रिजर्विंग कंपाउंड्स डाले जाते हैं जिन्हें क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स कहते हैं। फिर बॉडी को जो है लिक्विड नाइट्रोजन में जो है वो थेरेटिकली लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाता है सेव करके। और अभी तक ऐसी क्यों कुछ 100 बॉडीज जो है वो फ्रोजन की जा चुकी हैं थ्रू क्रायोनिक्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट। तो रजिस्ट्रेशन जो है इंडियन कंपनीज द्वारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स की लगभग डबल हो चुकी हैं। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में देखें ऑलमोस्ट $49 बिलियन के आसपास पहुँच चुके हैं। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होती क्या है, इसको हम कहते हैं कि वो बोरोइंग्स जो इंडियन कंपनीज़ करती हैं फॉरेन सोर्सेज से, लोन्स लेकर, बॉन्ड्स लेकर या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इसको क्यों किया जाता है इन बोरोइंग्स को, चाहे एक्सपेंशन करनी हो अपने बिजनेस की, एक्विजिशन करने हो असेट्स के, या इवन कोई अपने एग्जिस्टिंग डेट की रीपेमेंट करनी हो उसके लिए भी की जा सकती हैं। तो वैरायटी ऑफ सोर्सेज से जो यह बोरोइंग की जा सकती है, चाहे फॉरेन बैंक्स हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, या इवन कुछ फॉरेन सब्सिडरीज जो इंडियन कंपनीज़ की होती हैं उनसे भी जो है बोरोइंग की जा सकती है। ECB जो है वो चाहे वो रुपी डिनोमिनेटेड लोन में भी हो सकते हैं या फिर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन्स में भी हो सकते हैं, लेकिन ECB जो है वो रेगुलेटरी ओवरसाइट में रहती है RBI के। ECB के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जैसे कि मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड, मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, उसको फॉलो करना होता है तभी आप बॉरोइंग कर सकते हो। RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से सभी एंटिटीज़ जो है वो ECB या फिर बॉरो कर सकती हैं एक्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं ECBs के, एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है बोरो करने को लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड्स, दूसरा रिलेटिवली लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं ये बोरोइंग्स, इंटरेस्ट रेट्स भी डोमेस्टिक फंड्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, और कॉरपोरेट जो है वो फॉरेन करेंसी को भी मिल जाती है उन्हें बोरोइंग्स में, तो वो अपनी जैसे अगर उन्होंने इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन रिस्क भी रहते हैं, फ्लक्चुएशन अगर वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी में हो तो कॉस्ट ऑफ रिपेइंग लोन जो है वो बढ़ सकती है। ऑफ़ कोर्स फॉरेन करेंसी में आपने लोन लिया है लेकिन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो गया तो आपको ज़्यादा रुपए में जो है वो लोन वापस करना पड़ेगा। फॉरेन गवर्नमेंट की अगर कैपेसिटी टू रीपे इट्स डेट जो है वो ख़राब हो जाए तो जो फॉरेन लेंडर्स जिनसे आपने लोन लिया उनकी क्रेडिट वर्दीनेस ख़राब हो जाएगी। फॉरेन लेंडर जो है उनकी सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो नहीं होती है इन केस ऑफ एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक लेंडर्स इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। रेगुलेटरी रिस्क भी रहते हैं, गवर्नमेंट अगर कोई रेगुलेशन या पॉलिसी चेंज कर दे तो जो अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट टॉपिक इज RBI बैलेंस शीट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी सेक्शन। So RBI has reported a 17% increase in its financial year 2024 income to 2,75,000 crore. So how does the RBI make money? So RBI lends money to commercial banks and charges interest on these loans. RBI also provides temporary loans to the government through mechanisms like ways and means advances. WMA is basically a facility for both the center and state to borrow from the RBI, and RBI charges interest on that loans. Okay. RBI also invests in various government securities and earns interest on these investments. RBI also holds and manages India's foreign exchange reserves. So it earns income from investing in these reserves in foreign assets like US Treasury bonds and other high quality foreign securities. So RBI also earns signorage. Signorage is basically the difference between the value of money and the cost to produce it. So for example, if RBI is printing a 200 rupee note, but it costs only 1 rupee to print that note. So signorage profit for RBI is 199 rupees. RBI also manages government's accounts, collect taxes and disburses payments, and RBI charges the government for these services. So RBI also charges fees and commission for the services provided to not just the government, but also financial institutions and general public. RBI also buys and sells government securities in open market, and profits are made between the purchase price, between the difference of purchase price and selling price of these securities. RBI also provides liquidity to commercial banks by rediscounting their bills and charging interest rate on these transactions. RBI also imposes penalties and fines on the banks and other financial institutions for non-compliance with regulatory requirements. So if we look at the key highlights of the financial performance of RBI into this year,
सो इट्स बैलेंस शीट हैज़ इंक्रीज बाई 11%. दिस इंक्रीज इन इज ड्रिवन बाई लिक्विडिटी एंड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व और ऑपरेशन. सो वी हैव विटनेस अ राइज इन फॉरन इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड इन लोन्स एंड एडवांसेस. ऑन द लाइबिलिटी साइड देर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन नोट्स इशू डिपॉजिट्स एंड अदर लाइबिलिटीज. सो बैंक्स बैलेंस शीट साइज हैज़ ग्रोन बाई 24.1% ऑफ जी डी पी एट द एंड ऑफ मार्च 2024 एज कम्पेयर टू 23.5% ऑफ जी डी पी एट द एंड ऑफ मार्च 2023. सेंट्रल बैंक्स नेट इनकम ऑल्सो सर्ज बाई 141.22% ड्यू टू शार्प रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर्स. सो आर बी आईज एक्सपेंडिचर डिक्लाइन बाई ऑलमोस्ट 56.29%. सो द सरप्लस दैट हैज़ बीन ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दिस ईयर हैज़ अमाउंटेड टू 2.1 trillion रुपीज़. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर साइंस एंड टेक सेक्शन. सो अग्निकुल कॉस्मोस इज अ स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट IIT मद्रास एंड इट हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन विच हैज़ बीन डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिजिनसली इन द कंट्री with assistance from ISRO. So 3D printing is also called additive manufacturing and it is a process of creating three-dimensional objects from digital models by adding material layer by layer. This process allows for more efficient and customized production compared to traditional subtractive manufacturing methods. 3D printing is also being used in a host of different industries like healthcare, automobile and aerospace. So what is Agni Baan Sorted? Sorted here means suborbital technology demonstrator. So Agniban Cosmos has test fired its rocket named Agniban Sorted, which has gone for a suborbital flight, which is a space flight that reaches outer space but it does not complete an orbit around the Earth. Agnikul has become the second private company to launch a rocket after India's first privately developed rocket from the company Skyroot flew in 2022. So Agniban engine is a customizable two-stage launch vehicle which uses a semi-cryogenic engine. Semi-cryogenic here means that it uses a combination of liquid and gaseous propellants and it operates at temperatures higher than cryogenic engine but of course lower than traditional rocket engines. So they use kerosene instead of liquid hydrogen. Agniban has become the world's first 3D printed engine and it is powered by the only rocket engine in the country which uses both gas and liquid fuel. In this case liquid oxygen or kerosene. So the benefit of using 3D printed process is likely to lower the launch cost and also cut down the vehicle assembly time. Okay, so the next topic is Global Food Policy Report 2024. This topic is important for your social issues. So recently Global Food Policy Report 2024 was released by IFPRI, that is International Food Policy Research Institute. So it has mentioned that at least 38% of Indian population ate unhealthy foods, while only 28% of all five recommended groups ate at least one starchy staple food, one vegetable, one fruit, one pulse, nut or seed, and one animal source food. The consumption of such calorie dense and nutrient poor foods was not only high, but was also increasing. So in India, the proportion of the population suffering from malnutrition increased from 15.4% to 16.6% by 2021. The prevalence of overweight in adults increased from 12.9% to 16.4% in 2016. The share of packaged foods in household food budgets nearly doubled during this period. So what is International Food Policy Research Institute? It was established in 1975 to provide research-based policy solutions to sustainably reduce poverty and hunger and malnutrition in developing countries. So it is a research center of CGIAR, and which is the world's largest agricultural innovation network. So the next topic is framework for recognizing SROFT. SROFT here stands for Self-Regulatory Organization for the FinTech Sector. So this topic is important for your economy section. So RBI has issued the framework for SROFT, recognizing the SROFT. So this framework defines fintech as those entities who provide technological solutions for delivery of financial products and services to businesses and consumers. So SROFT would be industry-led. The applicant should be set up as a not-for-profit company and it will need to have a minimum net worth of 2 crore rupees. At least one-third of its members on the board should be independent and without any active association with a fintech entity. So the SRO cannot open branches or offices outside India.
fintechs domiciled outside India can become members of an SRO. So if required, RBI can also nominate or depute observers on the SRO FT's board. SRO FT should operate objectively under the oversight of RBI. A fintech SRO should also frame a code of conduct for its members and take disciplinary action against its members for non-adherence to code standards or rules. Okay. So the next topic is Red Flag 2024 exercise. This topic is important for your security section. So an Indian Air Force contingent recently arrived at Ilsen Air Force Base in Alaska to participate in the multinational exercise called Red Flag 24. So this is a 2-week advanced aerial combat training exercise. It is designed to replicate a realistic and challenging environment by bringing together air crew and equipment from different nations and services. So approximately 3,100 service members are expected to fly, maintain and support more than 100 aircraft during the exercise. So Rafale fighter jets are going to participate from Indian side in this exercise. So this exercise is being conducted since 1975, and Nevada exercise is organized by the United States Air Force Warfare Center. Okay, while the Alaska exercise is managed by the Pacific Air Forces, the Air Component Command of the United States Indo-Pacific Command. Okay. So the next topic is cryonics. This topic is important for your science and tech section. So a cryonics company has frozen its first client in Australia in the hope of bringing him back to life in the future. So cryonics is the practice of freezing an individual who has died with the objective of reviving that individual sometime in the future. So this is an effort to save lives by using temperature so cold that a person beyond help by today's medicine can be preserved for decades or centuries until a future medical technology is available to restore that person to full health. So this person who is preserved in such a state is called cryopreserved patient. Cryonic preservation can only be performed after an individual has been declared legally dead. This process is initiated shortly after death and the body being packed in ice and shipped to a cryonics facility. So there the blood is drained from the body and replaced with antifreeze and organ preserving compounds known as cryoprotective agents. Then in this vitrified state, the body is placed in a chamber filled with liquid nitrogen where it is preserved at -196 degrees Celsius until scientists are able to find a way to resuscitate the body in the future. So currently about few hundred bodies have been frozen through cryonics. Okay. So the next topic is external commercial borrowings. This topic is important for your economy section. So registration by Indian companies for external commercial borrowings almost doubled to $49.2 billion in the financial year 2023-2024. So what are these external commercial borrowings? So these refer to the borrowings of funds by Indian companies from foreign sources in the form of loans, bonds or other financial instruments. So it can be used to finance a variety of purposes like expansion of your business, acquisition of assets or even repayment of existing loan or debt. So ECBs can be obtained from a variety of sources like foreign banks, international financial institutions, foreign subsidiaries of Indian companies also. Okay. So ECBs can be in the form of rupee denominated loans which have to be repaid in rupees, but it can also be in foreign currency denominated loans which have to be repaid in a foreign currency. So ECB is subject to regulatory oversight by the RBI, and ECBs have to adhere to criteria like minimum maturity period, maximum all-in cost ceiling, and other permitted and non-permitted end uses. Okay. So as per the existing RBI guidelines, all entities except a limited liability partnership is allowed to raise ECBs. So what are the benefits of ECBs? They provide an opportunity to borrow large volume of funds. The funds made available are for a relatively longer term. Interest rates are also lower as compared to domestic funds. ECBs are in the form of foreign currencies. Therefore, they enable the corporate to have foreign currency to meet the import of machineries also. So there are risks also. Fluctuations in the value of Indian rupee can affect the cost of repaying the loan. So for example, you have obtained a foreign currency based loan, but you have to repay the loan. But at that time, the rupee depreciates, then of course you would have to shell out more rupees to repay that loan. So the ability of a foreign government to repay its debt
कैन ऑल्सो अफेक्ट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फॉरन लैंडर्स. ओके, सो फॉरन लैंडर्स मे नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज डोमेस्टिक लैंडर्स इन द केस ऑफ डिफॉल्ट. देर आर ऑल्सो रेगुलेटरी रिस्क लाइक एनी चेंज इन द गवर्नमेंट रेगुलेशन और पॉलिसीज रिलेटेड टू ई सी बी कैन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग. ओके, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टूडे. वील मीट नेक्स्ट टाइम विथ ऑन मंडे नाउ विथ न्यू टॉपिक्स. Until then, goodbye and take care.